और अब आपको बताते हैं कि आज जब रामनाथ कोविंद एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरेंगे तो उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी होंगे, साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, एनडीए शासित राज्यों के सीएम, तेलंगाना के सीएम भी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि के चंद्रशेखर राव, साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी भी इस दौरान मौजूद होंगे। और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी है। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति चुना जाना करीब करीब तय है। हम आपको बताते हैं कि एनडीए के पास इस वक्त कितना वोट है। एनडीए में शामिल पार्टियों का 48.10% वोट, तेलंगाना राष्ट्र समिति की बात करें तो 1.99% वोट, एनडीए के साथ एआईएडीएमके के 5.39% वोट और साथ ही एनडीए के साथ वाईएसआर कांग्रेस के 1.53% वोट है, एनडीए के साथ जेडीयू के 1.89% वोट है और साथ ही बीजेडी के 2.99% वोट भी है। तो कुल अगर वोट प्रतिशत देखा जाए तो 61.89% है। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि मीरा कुमार के साथ कौन कौन है। यूपीए में शामिल दलों का वोट, हालांकि जेडीयू के एनडीए के साथ जाने से मीरा कुमार को झटका लगा है, लेकिन बीएसपी के 0.74% वोट मीरा कुमार के साथ है। और किन पार्टियों पर नजर है, यानी कि उम्मीदवारी को लेकर किन पार्टियों के साथ की जरूरत यहां नजर आती है। समाजवादी पार्टी के 2.36% वोट पर नजर है, आम आदमी पार्टी के 0.82% वोट पर नजर है, साथ ही INLD के 0.38% वोट पर भी नजर है। तो किन पार्टियों पर नजर है आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, INLD पर नजर यहां पर है, क्योंकि इनसे भी वोट प्रतिशत बढ़ेगा। और दिल्ली से हमारे संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। ब्रिजेश, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे आज नामांकन को लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने नजर आती है, इसके अलावा क्या कुछ राष्ट्रपति की उम्मीदवारी को लेकर जो सियासी गणित यहां पर नजर आ रहा है इसकी तस्वीर। बिल्कुल, देखिए सबीना, अगर हम सियासी गणित की बात करें तो वो पूरी तरीके से एनडीए यानी बीजेपी के पक्ष में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जीत और हार के पैमाने पर अब कुछ बचा नहीं है। जीत तो लगभग जो है रामनाथ कोविंद की सुनिश्चित मानी जा रही है। आज वो अपना नामांकन कराएंगे, 11:30 बजे वो निकलेंगे अपने आवास से। हम उनके 10 अकबर रोड जो अस्थायी आवास है उनका, वहां पर खड़े हैं। आप देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ, अगर हम दिखा पाए कि वहां पर तमाम जो बीजेपी के आला नेता हैं वो आवास में पहुंच रहे हैं उन्हें बधाइयां देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके की अगर जीत और हार की हम गणित की बात करें तो वो लगभग जो है 63% के आसपास वोट रामनाथ कोविंद के पक्ष में पड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जीत तो लगभग सुनिश्चित है। अब ये है कि यही वजह है कि तमाम जो एनडीए से अलग भी तमाम राजनीतिक दल थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं एनडीए को समर्थन दिया है, और अब कुछ देर बाद रामनाथ कोविंद यहां से निकलेंगे और 11:45 में वो संसद भवन पहुंचेंगे जहां पर वो अपना नामांकन कराएंगे। फिलहाल उनके नामांकन की अगर बात किया जाए तो नामांकन 4 सेट पर जो है उनके नामांकन तैयार किए गए हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू और इसके साथ ही जो है तमाम दूसरे आला नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ जो समर्थक दल हैं उनके मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे, तो एक बड़ा जमघट देखने को मिलेगा। और लेकिन जिस वक्त वो नामांकन कराएंगे उस वक्त केवल 40 से 50 लोग ही उनके साथ नामांकन उसमें अंदर जा पाएंगे, क्योंकि 4 सेट में 60 प्रस्तावक और 60 अनुमोदक प्रति सेट जो है तय किया गया। अगर 4 सेट मानते हैं तो लगभग 480 प्रस्तावक और अनुमोदक जो है उनके नामांकन में होंगे, लेकिन जो अभी पहला सेट ही शायद दाखिल किया जाएगा, उसके बाद दूसरा और तीसरा सेट उसके बाद दाखिल किया जाएगा। इसलिए 40 से 50 लोग जो है ही रामनाथ कोविंद के साथ अंदर नामांकन स्थल में जाएंगे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे। ठीक है ब्रिजेश, नजर बनाए रखिएगा इस खास तस्वीर पर, आगे भी लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।